अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ आलम है और मैं एडिटिंग ट्रिक्स चैनल से एक बार फिर हाज़िर हो चुका हूँ। मैं एक और अच्छा सा स्टेप लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखा होगा कि हम किस तरह एक नोट से बहुत सारे नोट्स बना सकते हैं। तो ये सो इजी वे सा मेथड सा ट्रिक है और ये मैं आपको बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत सा ईजी वे सा स्टेप सिखाने वाला हूँ जो कि आप वन क्लिक्स के अंदर कर सकते हैं उन्हें। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना फोटोशॉप्स को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे साथ एक फ़ोटोशॉप्स है, ये मैंने एक फ़ोटोशॉप्स को इंटर ओपन किया हुआ है जो कि फ़ोटोशॉप्स को ओपन करने के बाद आपको इस तरह के एक मिलेगा, एक इस तरह इंटरफेस मिलेगा। देखिए, ये मेरे साथ एक $1000 का पिक्चर है जो कि $1000 हम किस तरह बहुत सारे नोटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ सो ईजी वैसा स्टेप्स हैं, तो चलिए कर लेते हैं इन पर। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे साथ, हम यहाँ पर आ जाएंगे एडिट पर। एडिट पर हम आ जाने के बाद, हम यहाँ पर एडिट्स के ऑप्शंस आ जाने के बाद हम पहले इनके कर लेते हैं सिलेक्शंस कर लेते हैं। कंट्रोल ए की मदद से हम इनकी ऑल सिलेक्शंस ले लेते हैं। जब ऑल सिलेक्शन ले लेते हैं, ऑल सिलेक्शन लेने के बाद हम एडिट इंटरफेस में आ जाएंगे। एडिट करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे डिफाइन फिल्टर्स में, पैटर्न्स पर। जब हम आ जाएंगे डिफाइन पैटर्न्स पर, हम फिर क्लिक्स करेंगे तो हम इन पर ओके करेंगे। इनका पैटर्न हमने ले चुका है। हम यहाँ पर हम अभी एक सो ईजी वैसा मेथड लेते हैं। हम यहाँ पर इन पे कंट्रोल एन की मदद से इनकी न्यू लेयर ले लेते हैं। न्यू लेयर हम इसलिए लेते हैं कि वो न्यू लेयर हमको को एक वाइट सा बैकग्राउंड दे देता है, हमको एक अलहदा स्पेस दे देता है। तो हम यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 100 कर लेता हूँ। जब मैंने यहाँ पर 100 की हुई है और यहाँ पर मैंने 50 किया हुआ है, तो फिर मैं यहाँ पर क्रिएट्स फाइल्स पे कर लेता हूँ। ये मुझे देखिए एक क्रिएट्स फाइल मुझे दे दिए, एक क्रिएट पेज मुझे दे दिया इन लोगों ने। तो अभी हम इन पे करेंगे अपना सो ईजी वे स्टेप मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे ज़्यादा मेथड तरीका है, तो इस वीडियो के स्किप ना कीजिए, इस वीडियो को गौर से देखिए ताकि आप भी इन स्टेप पे समझ जाइए। तो फिर हम यहाँ पर कंट्रोल बैक की मदद से यहाँ पर फिर हम प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद हमको इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। जब इस तरह का इंटरफेस हमको खोलने को मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर, हमें मिलता है कस्टम पैटर्न। कस्टम पैटर्न पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे साथ ये वाला जो डॉलर्स का हमने पैटर्न लिया हुआ था, तो हम यहाँ पर इन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर ऊपर होगा, हम यहाँ पर इनको पैटर्न पर लेकर आएंगे। जब पैटर्न पर हम इनको लेकर आएंगे, तो यहाँ पर हम बूट नॉर्मल रखेंगे, ओपेसिटीज़ हम 100 पर रखेंगे और यही सारी चीज़ें हम बिल्टन्स कंप्लीट रखेंगे। तो फिर हम यहाँ पर इन पर प्रेस कर लेते हैं ओके। जब ओके पर हम प्रेस कर लेते हैं, हमसे अभी यहाँ पर मांग रहे हैं इनके साइज़, इनके रैंडम्स फाइल्स फिल्स हमसे मांग रहे हैं कि आपको कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, हम यहाँ पर इनको 70 पे ले जाते हैं। तो ये देखे, हम यहाँ पर इनको 7 पर ले गए हैं और यहाँ पर हम इन 4 यहाँ पर हमने और इन पर सेटअप की हुई है। अगर आप भी ये सेटअप करना चाहते हो तो इन्हीं से देख ले, अपने सिस्टम पर भी ये सेटअप कर लें। फिर यहाँ पर हम ईजी वे से कंप्यूटर पर इंटर कर लेते हैं ओके, प्रेस कर लेते हैं। तो देख के हमने यहाँ पर ओके प्रेस किया हुआ है। ओके प्रेस करने के बाद देखे हमारे साथ कितना डेढ़ सारे डॉलर्स आ चुके हैं। जो ये डॉलर्स आ चुके हैं, ये हमारे साथ ओरिजिनल फॉर्म में आ चुके हैं। देखे कंट्रोल प्लस की मदद से हम, मैं इनको कितना भी जूम कर लूँ तो ये अपनी क्वालिटी को ख़राब नहीं करेगा। तो ये देखे, इनकी क्वालिटी सो बेहतर से बेहतर और ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वालिटीज़ आपको प्रोवाइड करेगा ये। तो ये देखे कितना, अब मैंने कितना जूम किया है, देखे मैं और भी इनको मेगापिक्सल से जूम करूँगा तो देखे अपनी क्वालिटी को ये ख़राब नहीं करेगा। तो इसी तरीके से ये आप भी कर सकते हैं। तो ये देखे यहाँ पर हम कंट्रोल जेड की मदद से इनको वापस हटा लेते हैं और बैक शिफ्ट इंटर की मदद से शिफ्ट बैक की मदद से हम इनको वापस ये फाइल लेकर आते हैं यहाँ पर। हम जब फिर ओके कर लेते हैं, हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की अपने भी कर सकते हैं।
यहाँ पर हम कर लेते हैं इनको मुख्तलिफ साइज़, हम इन मुख्तलिफ साइज़ों में हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये देखे हम इनको साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इन्हों को भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और देखे अभी हम ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा और भी क्लेयर्स नज़र आएंगे, तो देखे अलहदा अलहदा ये इन पे नज़र आएंगे। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं और आप इन लोगों ने, आई होप आप लोगों ने ये वीडियो इंजॉय की होगी, आप लोगों ने इन वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से ट्रिप और ट्रिक्स आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। तो यहाँ तक के लिए मुझे दे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।